हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहां पे स्वागत करते हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 नंबर मॉडल पेपर जो एक्सेलेंट डेस्वर्क के साथ में आए थे। वो अपन ने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, आज अपन 3रा मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी क्लास को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आपके लिए एक मैथ का महामैराथन आने वाला है जस्ट, और हमारा संजीव का डेस्वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो क्लासें आपने देख ली होगी। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंटिन्यू क्लासें मिल जाएगी। और एक साइड हमारा एक्सीलेंट का डेस्वर्क चल रहा है 9 नंबर मॉडल पेपर, और उसके बाद में हमारा 10 नंबर मॉडल पेपर भी इसमें फिनिश हो जाएगा। तो आप डेली दोनों ही क्लासें ले रहे हैं। सुबह 7 बजे क्लास है और हमारी एक क्लास चलती है शाम को 8 बजे क्लास। सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे क्लास आपके लिए है, 10वीं क्लास के लिए। तो दोनों ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग हमें लेके आना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 196 की, तो फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 9 × 2 = 18, 8 × 2 = 16, 2 का भाग जाएगा यह आ जाएगा 49, 7 का भाग जाएगा 7 × 7 = 49, 7 का भाग जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2, यानी इसका योग कितना आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। और घातों का योग 2 + 2 = 4, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, घात देखनी, 2 की घात 2 + 7 की घात 2, 2 + 2 जोड़ दो, घातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। अब देखिएगा नेक्स्ट, यदि बहुपद f(x)((x²−5x+k) शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान होगा। अब देखो हमें यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया 1, हमें k का मान बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है और इसमें अल्फा और बीटा इसके 2 शून्य मान लेते हैं, तो इनके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में, तो माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस और माइनस प्लस का 5/1, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा का मान कितना आएगा, सी अपॉन में ए, सी का मान कितना है k/1, ठीक। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया एक नंबर इक्वेशन, और क्वेश्चन में आपको दिया गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया गया, देखो अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया। और ये यहां से इक्वेशन से आपने कंपैरिजन करके ax² + bx + c से तुलना करके ये निकाल लिया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ोगे तो प्लस का बीटा माइनस का बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा का मान आएगा 6/2 यानी 3, अल्फा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब अल्फा का मान 3 आ गया, यहां पे रख दो, तो बीटा का मान कितना आएगा, बीटा का मान आएगा 5 − 3 यानी 2, कितना आएगा, 2 आएगा, तो बीटा का मान आपके पास में आ गया 2। अल्फा और बीटा का मान यहां पे रख दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 × 2 = k, k का मान कितना आएगा, k का मान आ जाएगा आपके पास में 6, K का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा, यानी A ऑप्शन आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण 5x + 2y = 16 और 3x + 6/5y = 2 का हल होगा, अब हमें यहां पे हल बताना है, संगत हल है, असंगत है, कोई हल नहीं, अनंत हल है। तो देखिएगा यहां पे इरेज कर देते हैं। अब आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिखने पड़ेंगे, तुलना करो ax + by + c से। तो देखिएगा आप यहां से लिख पाओगे, यही इक्वेशन है क्या, हाँ 3 नंबर है, तो a1 इज इक्वल टू आपके पास में 5, या a1 बटा a2 बराबर क्या चलेगा, a1 का मान है 5/3, b1 बटा b2
B2 ये है 2/2/6/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 × 10/6, 2 से काट दो तो B1/B2 यानी 2 से काटोगे तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 आएगा और C1/C2 निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास में -16/-2, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास में 8/1, कितना आएगा भाई 8/1 आएगा। तो इसका मीन्स क्या है, पहली दोनों कंडीशन बराबर है लेकिन ये कंडीशन बराबर नहीं आ रही, ये कंडीशन बराबर नहीं आ रही तो कोई हल नहीं, अनथ हल है नहीं। अनथ हल क्या कब होगा, जब तीनों ही कंडीशन बराबर हो। संगत कब होगा, जब कोई ना कोई रिजल्ट आए। अब देखो इसका कोई हल नहीं होगा और इसने ऑप्शन बी और दे दिया, ऑप्शन बी आपको दे दिया है, ये 5/3 ठीक है, यहां पे ये ऊपर चला जाएगा 5 × 10/6 इसको 2 से आपने काटा तो 5 × 10 × 3 × 6 5/3 ये भी राइट है, कंडीशन ये आ रही है हमारे पास में और कोई मिस्टेक तो नहीं लगता मेरे को। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2, ये कंडीशन आती है तो लाइनिंग पैरलर आती है और पैरलर आती है तो इसका कोई हल नहीं होता और ये रिजल्ट हमारे पास में असंगत आता है, रिजल्ट यहां पे असंगत आता है। जिसने दोनों ही ऑप्शन कैसे दिए भी, दोनों ही ऑप्शन डाल रखे हैं इसने, हमें मूर्ख बना रहा है, असंगत है कोई हल नहीं अनथ हल है। तो यहां पे एक हो जाएगा आपका ठीक है, ये ऑप्शन दोनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, दोनों ही ऑप्शन राइट हैं ठीक है। तीनों बराबर होते तो अपन बोलते अनथ हल हो जाते, अगर पहला क्रॉस कर जाता, पहली लाइनिंग क्रॉस कर जाती तो ये हल अद्वितीय हल होता ठीक है। तो ये तो पैरलर हो गई जैसे रेल की पटरी है तो इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, जब लाइनिंग क्रॉस करेगी नहीं मिलेगी नहीं तो रिजल्ट कहां से आएगा, तो ये आपके पास में कोई हल नहीं और असंगत की कंडीशन है ठीक है, दोनों ही ट्रू है। अब देखो 4 नंबर, यदि f(x)(ax²+bx+c तथा c बराबर ये दे रखा है, कोई बात नहीं f(x)0 के मूल होंगे, f(x)0 के मूल होंगे। अब देखो हमें इसके मूल वास्तविक या बराबर हैं, वास्तविक और असमान है, काल्पनिक और बराबर है, ये बताना है इसके मूल। तो देखो आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेट डी का मान, डिस्क्रिमिनेट डी का मान तो जानते हैं कैसे निकालते हैं, बी स्केयर माइनस में 4ac करते हैं, b²-4ac ठीक है, = 0 ले लो इसको, तो यहां से उठाओ इसके मान क्या है, b² यानी b का मान है आपके पास में b² ही है, माइनस में 4 × a यहां से लग जाएगा, a यहां से लग जाएगा इंटू c, c देखो ये अरे क्वेश्चन में दे रखा है हमें c का मान b² = 4a तो ये रिजल्ट कितना आएगा, यानी डी का मान, डिस्क्रिमिनेट डी का मान देखना है हमें तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा d = b²- ये मानी 20, यानी 4a से 4a कट गया, b²-b²=0 और 0 आ गया, जिसके मूल क्या होंगे वास्तविक और बराबर होंगे, मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास में वास्तविक और बराबर हो जाएंगे ठीक, दैट इज क्लियर। डी का मान 0 आ गया तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या था, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल आपको ज्ञात करना है, 3 का प्रथम गुणज 3, 6, 9 और इसके बाद में हमारे पास में नंबरिंग चलेगा, 9 के बाद में आएगा 12 और आएगा 15। अब जोड़ दो सभी को, जोड़ना भी 3 और 6 9 9 और 9 18 18 और 12 20 20 और 15 हमारे पास में 18 और 12 20 कैसे करते हैं 30 30
और 10:40 और 5:45 ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है क्या? 45 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सभी को जोड़ दो। चित्र में यदि ये कंडीशन है, ये पार्टीशन इक्वल है और ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो A2 है वो इसको A2 है वो किस रेखा A2 रेखाखंड है वो किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में, 2:3 में विभाजित करता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट है। यदि ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए और सी कोमा ए प्लस बी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपको अब त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक गिवन है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा किस प्रकार से निकाल पाएंगे। हमें गिवन है इस प्रकार से, कोई त्रिभुज बनाया हुआ है, इसके निर्देशांक बिंदु ए के कोऑर्डिनेट है, ए कोमा बी प्लस सी, और ये दे रखा है आपको बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको बी कोमा सी प्लस ए, और ये बिंदु दे रखा है सी, सी के निर्देशांक है सी कोमा ए प्लस बी, सी कोमा ए प्लस बी। तो ये हमारे पास में हो जाएगा एक बटा दो एक्स वन यानी ए, और ये आ जाएगा हमारे पास में वाई टू माइनस में वाई थ्री। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई टू माइनस में वाई थ्री प्लस एक्स टू, और ये आ जाएगा वाई थ्री माइनस में वाई वन प्लस में एक्स थ्री, वाई वन माइनस में वाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स वन का मान ए है, अब वाई टू का मान सी प्लस ए माइनस में वाई थ्री ए माइनस में बी, प्लस एक्स टू का मान कितना है? बी। अब इसके पास में है वाई थ्री माइनस में वाई वन, वाई थ्री का मान ए प्लस बी माइनस में बी माइनस में सी, प्लस में ए बी सी, यहां पे आ जाएगा सी, और इसके बाद में है वाई वन माइनस में वाई टू यानी बी प्लस सी माइनस में ए, ये कंडीशन आ गई। तो सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा और ए से ए कटेगा, तो रिजल्ट आएगा एक बटा दो इसका अंदर गुणा माइनस का ए बी, और ये आ जाएगा माइनस का बी सी, माइनस का बी सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का ए सी, माइनस का ए सी आ जाएगा। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है क्या आपके पास? कोई नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी सी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने? एक्स वन है जो भी ए दे रखा है, एक्स वन का मान, और ये सॉरी एक मिस्टेक कर दिया ना, मल्टीप्लाई करने में गलती कर दिया ना। यहां से देखो रे, ए का मल्टीप्लाई एक बटा दो, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ में ए सी माइनस में ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में, इसका मल्टीप्लाई कर दो ए बी माइनस में बी सी और प्लस में बी सी माइनस में ए सी, ये जोड़ो, ये कट गया जीरो, ये कट गया जीरो, ये कट गया जीरो, एक बटा दो यहां पे जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास में? जीरो आएगा। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास में? जीरो आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan square 30 degree। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, एक बटा √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस में tan square 30 डिग्री, 1 माइनस में tan square 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये बन जाएगा 2, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और ये है 1 माइनस में 1/3, तो ये आएगा 2/3 अपॉन में, इसका एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 माइनस में 1, तो 2/3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, इसको काट दो, ये सभी कट जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? 1, और साइन 90 नहीं दिया गया क्या? साइन 90 को शॉर्ट साइन शॉर्ट सर
ऐसे कैसे दे देते हैं, वन माइनस में साइन 90 की वैल्यू नहीं है यहां पे, कोस 60 साइन 60 टेन 60 साइन 30 एक 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 कोई मिसप्रिंट हुआ है क्या, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान तो रूट तीन होता है, एक बटा रूट तीन का होल स्क्वायर कर दिया, एक बटा तीन ही बनेगा, और ये बन गया हमारे पास में तीन माइनस में एक, दो ऊपर चला जाएगा इसके साथ में, तो ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं। देखो तीन एकम तीन, एलसीएम तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, दो बटा रूट तीन, दो बटा तीन और दो बटा तीन कटेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट एक ही आएगा, रिजल्ट इसका हमारे पास में एक आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं मैच हो रहा इसमें, तो आप देख लेना इसमें ई ऑप्शन लगा रहा हूं मैं, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में साइन 90 डिग्री का मान, किसका आएगा हमारे पास में साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। अगर अपन यहां पे प्लस करें, कोई ऑप्शन में प्लस यहां पे करेक्शन करेंगे, एक बार प्लस करके देखेंगे तो तीन और एक हमारे पास में चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, नीचे यहां पे मैं प्लस करूं एक बार सोचना, तो ये बन जाएगा दो बटा तीन और ये तीन बटा चार, इसको काटेंगे तो ये एक बटा दो आएगा, और एक बटा दो किसका मान होता है, साइन तीस का मान होता है, साइन तीस का मान भी होता है और कॉस साठ का मान भी होता है एक बटा दो, तो ये भी प्लस भी नहीं आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई आपके पास में राइट हो जाएगा, साइन 90 का मान आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें ये करेक्शन कर लेना, वैल्यू हमने सही रखी है, इसका आंसर भी राइट है, तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास में नौ नंबर क्वेश्चन कि नो सेक्स के ए माइनस में नो टेन के ए के बराबर होगा। अब ये देखिएगा, अब अपन जानते हैं सेक्स के ए बराबर क्या होता है, वैल्यू रख दीजिएगा दूसरी सरोस्मिका से सेक्स के बराबर होता है वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, और यहां पे है माइनस के नो, यह आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो यह आ जाएगा नो प्लस में नो टेन स्क्वायर ए माइनस में नो, यह आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो यह आ जाएगा कट जाएगा भी माइनस प्लस कर जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्योंकि ये देखो नो का अंदर गुणा करा दिया, नो प्लस में नो टेन स्क्वायर ए माइनस में नो टेन स्क्वायर ए, वैल्यू कितना आएगा नो, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट हो जाएगा। यदि 3, 4, 5, 17 और एक्स का माध्य आपके पास में 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3 + 4 + 5 + 17 + x अपॉन में 5 इज इक्वल टू इसका माध्य कितना है 6 है, जोड़ दो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 17 हमारे पास में 29 हो जाएगा, 12 और 17 हमारे पास में 29 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 29 + x और ये भाग में ही इस साइड में जाके गुणा में चला जाएगा 6 × 5 = 30, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास में 30 − 29 = 1, कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट होगा। वर्ग अंतराल a माइनस में b का वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग अंतराल a माइनस में b का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसके बीच की वैल्यू होती है, तो बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग a प्लस b बटा 2, दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पे हमारे पास में ये कंडीशन संभव हो सकती है, टोटल परिणाम हमारे पास में 6 आएंगे 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें विषम है 1 है 3 है 5 है, तो 3/6 यानी संभावित परिणाम 3 हो सकते हैं, 3 ही विषम संख्या है 1, 3, 5, तो 3/6 यानी 3 से काटेंगे इसको, 3 × 3, 3 × 6 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट होगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं के खाली स्थान हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं
के संगत हल होते हैं या अद्वितीय हल होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब कोई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय, अद्वितीय हल या एक हल, अद्वितीय हल या एक हल, और इसको अपन बोल सकते हैं संगत हल भी होगा इसका, ठीक है, संगत हल होगा। उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग, जिनका पांचवा पद, नवा पद 26 और 42 है। देखो उस एपी के 15 पदों का योगफल लेके आना है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले यहां पे जिसका पांचवा पद यानी A5 का मान दे रखा है 26 और जिसका नवा पद यानी A9 का मान दे रखा है 42। पांचवा पद A5 की वैल्यू देखो क्या होती है, A प्लस में 4D इज इक्वल टू 26। A9 को क्या लिखेंगे, A प्लस में 8D इज इक्वल टू 42। इसमें से घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये नंबर कट जाएगा, माइनस के कितने आएंगे 4D इज इक्वल टू ये माइनस के 42 और यहां पे है 26, घटा दो इसमें से 6 बनेगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बनेगा, और यहां पे कितना है, 4 में से 1 3, 3 में से 1 16, कितना बनेगा यहां पे माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, डी का मान कितना आएगा 16/4, 16 में 4 का भाग लगाओगे, 16 में 4 का भाग लगाओगे तो मान आ जाएगा 4, कितना आएगा डी का मान, चारवां अंतर आ गया 4। अब यहां पे रख देते हैं 4 6 24, 4 6 24, तो ए का मान कितना आएगा 26 माइनस में 24 और यहां पे आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 2, ए का मान कितना आ जाएगा 2। हमें तो 15 पदों का योग लेके आना, 15 पदों का योगफल लेके आना है, तो SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, आपको यहां पे SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिएगा किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को, SN इज इक्वल टू S15 इज इक्वल टू 15/2, ये है 2 × A का मान 2 प्लस 15 माइनस में 1 यानी 15 माइनस में 1 इंटू डी का मान है 4, रख दीजिएगा 15/2, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56, 28 × 2 = 56, तो ये आ जाएगा 15/2 × 60, इसको काट दो 30 से, तो ये आ जाएगा 0, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, तो प्रथम 15 पदों का योगफल कितना आएगा, कितना आएगा 450 है, कितना आ जाएगा भाई 450 आ गया। बिंदु माइनस के 5, 4 की एक्स एक्स की एक्स एक्स से दूरी है। अब देखो ये बिंदु है, एक्स एक्स से दूरी पूछी है ना इसने, तो एक्स एक्स से दूरी पूछी है तो वाई का मान बता दो, एक्स एक्स से दूरी पूछी है तो वाई का मान बता दो, वाई एक्स से दूरी पूछी है तो एक्स का मान बता दो, लेकिन कभी भी माइनस में मत बता देना, माइनस में अगर दिया जाता है तो आपको दूरी हमेशा प्लस में होती है, प्लस में ही बताना होता है। तो यहां से तो हमें एक्स एक्स का पूछा है और वाई का मान 4 है, तो दूरी है वो 4 बता दो। अब इसके बाद में साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री कब आएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री कब आएगा, 90 में से 70 डिग्री को घटाएंगे, 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाएंगे और प्लस में ये बन जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 70 डिग्री प्लस में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आप ये 1 लिख दीजिएगा यहां पे। सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सहकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, एक वृत्त ये जिसका केंद्र 1 होता है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, तो सहकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है, सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं खालिस्तान होती हैं, अलग अलग, अलग अलग होती है, इस प्रकार से सहकेंद्रीय जिसका केंद्र एक ही हो। अब सेकेंडरी नहीं है तो ये दोनों वर्त अलग अलग हैं, ये दोनों ही वर्त अलग अलग है, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 3 है, तो सेकेंडरी नहीं है, इसका केंद्र अलग अलग है तो त्रिज्या इक्वल भी हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी होंगे तो इसकी त्रिज्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। देखो किस प्रकार से नहीं हो सकती, अब आपने ये वर्त खींचा, एक मैंने और खींच दिया, एक और खींच दिया, अब बताओ कितने वर्त खींचे, एक और खींच दिया,
बताओ इनकी त्रिज्या क्या है? समान। ये तो वर्त एक ही हुआ ना। अरे ये वर्त तो एक ही हुआ ना, वर्त तो अलग अलग नहीं हुआ, तो एक ही वर्त है तो इसकी त्रिज्या तो एक होगी। सेकंड वर्तों की त्रिज्या क्या होगी? अलग अलग हो जाएगी। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, कल्पित माध्य विधि से लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, क्या है एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिएगा, यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में कि वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 306 और 657 से पूर्णतया विभाजित हो। 306 और 657 से पूर्णतया विभाजित हो वह सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी का नाम दिया गया है तो हमें एलसीएम निकालना है। अगर हमें बड़ी का नाम दिया जाता तो क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। तो वह छोटी से छोटी संख्या लेके आनी है तो हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसके फैक्टराइजेशन करके अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो देखो, इसके फैक्टर करो 306 के, 306 के आप फैक्टर करोगे तो पहले जाएगा 2 से, तो आ जाएगा ये 15 × 2 = 30 और ये आ जाएगा 2 × 3 = 153, 5 × 3 = 8 का चला जाएगा, 3 का जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, फिर 3 का चला जाएगा 17 × 3 = 51, फिर 17 का जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 657, इसमें देख लो, अब इसमें 657 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का 2, 3 का जाएगा तो 3 × 3 = 6, 3 × 3 बच गया 2 = 27 और 9 × 3 = 27 = 19, 10 × 2 = 12, फिर 3 का चला देगा 7 × 21, 3 × 3 = 9, अब किसका जाएगा? 73 है, 73 हो गया। 73 में किसका जाएगा भाई? 73 में तो किसी का नहीं जाता, तो 73 में हमारे पास में 73 का ही जाएगा और कोई ही नंबर का भाग नहीं जाता। 73 किसकी टेबल में आते हैं? किसकी टेबल में नहीं आते, तो यहां पे 73 का ही जाएगा, 73 × 73। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 3, 2 × 27 = 27, 9 × 3 = 27, फिर 3 का जाएगा तो 7 × 21 और 3 × 3 = 9, सही है 73, 73 में 73 का जाएगा और किसी संख्या का जाएगा नहीं। अब देख लो इसमें पहले जो कॉमन आता है वो उठा लो, ये उठा लिया आपने 3 × 3, यहां पे बच गया 2 और यहां पे बच गया 17 और यहां पे बच गया 73, तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 का 17 के साथ में गुणा, यह आ जाएगा हमारे पास में, गुणा करके जो रिजल्ट आता है उसको 73 से गुणा कर देना। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है तो आपको क्या करना है, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 100, इसकी मल्टीप्लाई कर दो यार एक बार, 8 × 7 = 56, 6 × 5 और 5 बच गया 8 × 5 = 13, 136 और ये हमारे पास में आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 603, 306, 306 का गुणा 73 के साथ में करना है, तो 306 का गुणा 73 के साथ में करोगे 6 × 3 = 18, ठीक है 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 42 और 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 9 × 4 = 13, 2 = 22, तो 22 × 338 कितना आ जाएगा? 22 × 338 हमारे पास में इसका, 22 × 338, 22 × 338, अच्छा ऐसे भी नहीं, 1 3 और है भी, 22 338 हमारे पास में इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद में देखना है
नेक्स्ट सेकंड नंबर, यदि a माइनस में b, a और a प्लस b बहुपद के शून्यक हैं, तो a प्लस b का मान क्या है? a प्लस b का मान, ये त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसके हमें शून्यक दिए गए हैं, इसके हमें शून्यक दिए गए हैं, तो त्रिघात बहुपद में क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं, तो योग कर दीजिएगा, a प्लस a माइनस में b दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। अल्फा का मान कितना है? a माइनस में बीटा प्लस में b, बीटा का मान कितना है? a प्लस में, गामा का मान क्या है? a प्लस b इज इक्वल टू माइनस b माइनस का b अपॉन में a। तो माइनस का b, यहां से देख लो मान कितना आएगा, b का मान कितना है? तीन। b का मान कितना है? a b c d। अब यहां पे इसके जो गुणा में होगा वो a, इसके गुणा में b, इसके गुणा में c, और ये कांस्टेंट आएगा d। तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस है, एक का मान एक है, तीन आ गया, तो b से b कर देगा, यानी तीन a प्लस a प्लस a, तीन a बराबर तीन, a का मान कितना आएगा? एक। a का मान कितना आएगा? एक आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, a का मान निकालिए आपने, आप इसी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं? b का मान निकाल सकते हैं। तो b का मान कैसे निकालोगे? b का मान भी आपको लेके आना पड़ेगा। अब देखो, आप जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा यहां पे रख दो, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू, ये हमारे पास में d अपॉन में माइनस का a अपॉन में माइनस का b अपॉन में a है, ये हमारे पास में अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा क्या होता है, और एक कंडीशन ये आती है अल्फा डॉट बीटा प्लस में बीटा डॉट गामा प्लस में अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू c अपॉन में a, c अपॉन में a होता है। तो इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करके जोड़ें और यहां पे अपन ये वैल्यू रख दें, a का मान रख दें, तो इससे निकाल लो, कोई बात नहीं, तीनों का गुणा ना करके, अगर दो दो का गुणा करके जोड़ रहे हैं तो दो दो का गुणा करके जोड़ लो, a यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और ये आ जाएगा a प्लस a माइनस में b प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास में a, और ये आ जाएगा a प्लस b प्लस, ये आएगा a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू c, c का मान कितना है? एक, ये एक है, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस, इसका गुणा कर दो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक। तो यहां से ए का मान तो आपके पास में एक है, रख दो एक माइनस में बी, और ये आ जाएगा आपके पास में प्लस में एक प्लस में बी प्लस में एक माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक, एक 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 कितना हो गया? तीन हो गया, और ये कट जाएगा क्या? ये नंबर हमारे पास में कट जाएगा तीनों, ये माइनस का भी है ना, ये माइनस प्लस माइनस यहां पे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये तीन हो गया, जोड़ो तीन माइनस में बी की स्क्वायर इज इक्वल टू एक। अब इस b की स्क्वायर को इस साइड में ले जाओ तो ये प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे 3 माइनस में 1 ले आओ तो b का मान कितना आएगा? 3 में से 2 जाएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बनेगा, और यहां से ये स्क्वायर हटा दो इसका, ठीक है, माइनस का तो नहीं आता है, माइनस का b बटा a, c का मान 1 है, हमें लेके आना a प्लस बी का मान, a का मान तो एक निकाल लिया, गुणा सही किया ना, a माइनस में b गुणा a, और ये है a गुणा a प्लस में b प्लस a स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, दोनों का गुणा करना है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये भी सही है, a स्क्वायर माइनस में ab, a स्क्वायर प्लस में ab, a स्क्वायर माइनस में ये है, ये नंबर कट गया, तीन बच गया,
इज इक्वल टू ये है, तो हमारे पास में बी स्क्वेयर, स्क्वेयर हटाओगे तो इस पे रूट लग जाएगा, इस पे हमारे पास में रूट लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस का आएगा, तो हमारे पास में ए प्लस बी का मान दो आ जाएगा, यहां से ए प्लस बी का मान हमारे पास में दो आ जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी अब आपके पास, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस में रूट में दो, तो ए प्लस बी का मान लेके आना है, तो ए प्लस बी का मान कैसे लेके आओगे, ए प्लस बी, ए का मान आपके पास में एक, एक बार तो आपने रख दिया रूट दो ये, और एक बार आ जाएगा आपके पास में एक प्लस में रूट दो, यानी ये आपके पास में इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ये आपके पास में इसके राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजली क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आराम से करना, धीरे करना इसको, ठीक है। अब इसके बाद में है, नेक्स्ट है तीन नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से करते हैं, आपके पास अब की बार द्विघात इक्वेशन है, त्रिघात इक्वेशन न होके द्विघात इक्वेशन है, तो यहां से करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन में ए होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस ये लग जाएगा, माइनस और माइनस प्लस पी अपॉन में ए, यानी पी हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा हमारे पास में होता है सी अपॉन में ए, सी का मान कितना है, सी का मान तो ए की है, और सी का मान क्यू है, क्या है, क्यू बटा एक, यानी हमारे पास में आएगा क्यू, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, दैट इज सिंपल। अब हमें लेके आना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे लेके आएंगे, कोई बात नहीं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा का आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो पी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में टू अल्फा बीटा, टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो अल्फा और बीटा का मान तो आपने निकाल रखा है कितना है, क्यू है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में टू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस में टू क्यू, पी स्क्वायर माइनस में टू क्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस का टू क्यू है, इस साइड में जाके माइनस का बन जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस में टू क्यू आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है छह नंबर, चार नंबर, एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की एक तिहाई है, अभी अपनी माता की आयु की एक तिहाई है, तो यहां से समझिएगा 12 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी, 12 वर्ष के बाद में लड़के की आयु क्या होगी, तो अभी उनकी माता की एक तिहाई है, माना माना उसके लड़के की आयु, लड़के की आयु देखो कितनी है, x वर्ष है, तो बताओ उसकी माता की क्या होगी, तो उसके उसके माता की आयु इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3x, इसकी एक तिहाई है यानी 1/3 है, अगर किसी माता की आयु अगर 30 वर्ष है तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, एक तिहाई, 1/3 से गुणा कर दो 30 को, तो हमारे पास में 10 वर्ष आ गई, 10 वर्ष आएगी, तो यही इसने बोला है कि एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की 1/3 एक तिहाई है, लड़के की आयु एक्स वर्ष है तो उसके माता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष हो गई, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी, 12 वर्ष के बाद में क्या होगी, तो यहां से देखो 3x का अगर आप एक तिहाई निकालोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, x ही आएगा, तो 12 वर्ष के बाद देख लो, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद लड़के लड़के की आयु x प्लस में 12, x प्लस में 12 वर्ष हो जाएगी, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी, x प्लस में 12 हो जाएगी, आज उसकी x है
तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस में 12। इस प्रकार से करना है, और इसका कोई लॉजिकली नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे इसने उसकी माता की आयु दी नहीं है, तो अपन कैसे निकालेंगे? उसकी माता की आयु नहीं दी है, एग्जैक्ट नहीं दी है कि उसके माता की आयु ये है, तो अपन नहीं निकाल सकते, इतना ही लिखेंगे। अब इसके बाद में है समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है, तो चलो समीकरण के मूल निकाल लेते हैं। द्विघात इक्वेशन दिया गया है, 8x की स्क्वायर है और माइनस में 2x है, माइनस में 3 है, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करो तो गुणा करने पे तो 8 + 24 माइनस के 24x की स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे 2x आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे माइनस के 2x आना चाहिए। 8x की स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4x माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से 2x आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 4x माइनस में 3 प्लस में, ये आपके पास में प्लस का एक कॉमन ले लिया, तो 4x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस में 3 और ये है 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का मान कितना आएगा, एक तो माइनस का 1/2, यहां से तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 और यहां से एक्स का मान आ जाएगा 3/4। एक्स का मान कितना आएगा, 3/4 आएगा और एक एक्स का मान आपके पास में आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। ये दो मूल आ जाएंगे। आगे दिया गया द्विघात इक्वेशन में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं, उसके दो मूल बराबर हैं। अगर इसके दोनों मूल बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होता है, अगर इसके दो मूल बराबर हैं तो क्या कंडीशन होता है, देखिएगा यहां से समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेट डी का मान 0 होता है, यानी बी स्क्वेयर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से बी स्क्वेयर यानी के स्क्वेयर आएगा, माइनस में 4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान 3 है इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का है इस साइड जाके प्लस का, 4 × 8 = 24, 4 × 8 = 24 बनेगा, तो यहां से स्क्वेयर हटाओगे तो के इज इक्वल टू इस पे रूट लग जाएगा, 24 पे रूट लगेगा। तो एक बार इसको क्या लिखेंगे, एक बार देखना, इसको लिख सकते हैं अपन 4 8, और कुछ नहीं लिख सकते, 4 × 6 लिख सकते हैं, तो के का मान आएगा प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। जब इसके दोनों मूल हमारे पास में बराबर हैं तो के का मान क्या है, तो के का मान ये आएगा, दैट इज वेरी सिंपल, यानी 4ac डिस्क्रिमिनेट डी का मान 0 होता है, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, 4 यहां से फॉर्मूले का आएगा के, बी का मान के है, 4 × 8 ये 2 हो गया ना, देखो ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, तो 24 हो जाएगा, प्लस माइनस का ऐसा जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे इससे तो 24 पे रूट लग जाएगा, और रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए व बी से समदूरस्थ है, एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब कोई एक्स एक्स पे बिंदु लोगे तो उनका वाई का मान 0 होगा, उनका वाई का मान 0 होगा, ये बिंदु ए है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे मैं बिंदु बी लिख रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5, और एक्स एक्स पे बिंदु है तो वाई का मान, एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है, तो पहले एक्स का मान आएगा x, 0, वाई का मान 0, ये बिंदु पी है और ये ऐसे संतुष्ट है, यानी पी ए और पी बी बराबर है, आपको दिया गया है पी ए और पी बी बराबर है। अगर आपको वाई एक्स पे पूछे या वाई एक्स पे बोले कि वाई एक्स पे कोई बिंदु है तो उनका एक्स का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब गिवन है आपको पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, अगर इसका स्क्वायर बराबर है, ये खुद बराबर है, 5 = 5 है, तो इसका स्क्वायर 25 और 25 बराबर ही होगा,
तो पी ए और पी बी बराबर है तो इसका स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहां से क्या बनेगा, पी ए का स्क्वेयर कट गया यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रूट वाला कनेक्शन हट गया, रूट डायरेक्ट स्क्वेयर से हट जाता है, हटा दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से आप क्या करेंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है आपके, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगता है, इस स्क्वायर से ये रूट गायब चला जाता है। x2 का मान कितना है 6, माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां के लिए हमारे पास में रहेगा माइनस के चार और माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस ये रहेगा पांच माइनस में जीरो का होल स्क्वायर, छह का स्क्वायर छत्तीस प्लस में एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास में है छह का स्क्वायर छत्तीस प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में 2ab, 6 दुनी 12x प्लस में 5 पांच 25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास में हो जाएंगे माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये फॉर्मूला ओपन होगा प्लस के तौर, प्लस के तौर तरीके से ओपन होगा, जैसे a प्लस में b होता है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो इसी प्रकार से अगर दोनों ही वैल्यू माइनस के हैं तो 16 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 4 दुनी 8, 4 दुनी 8x ये कितना बनेगा प्लस में 25, 25 से 25 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बन गया माइनस का 12 इस साइड में जाएगा प्लस का 12 बन जाएगा, 8 इस साइड में है तो यहां पे आ गया 20x, यहां पे 36 है, इस 16 को इस साइड में लेके आओगे, 16 को इस साइड में लेके आओ तो 36 माइनस में 16 घटा दो कितना बचेगा 20 बराबर 20x, 20 से 20 कट गया, x का मान कितना है, x का मान कितना है 1, x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 साइन 60 डिग्री माइनस में 4 साइन की क्यूब 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको लेके आना है, वैल्यू रख दीजिएगा, 3 गुणा साइन 60 का मान होता है रूट 3 बटा 2 माइनस में 4 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2 का होल क्यूब, तो ये हमारे पास में है 3 रूट 3 बटा 2 माइनस में 4 गुणा रूट 3 का होल क्यूब 3 रूट 3 अपॉन में 2 का होल क्यूब 8, इसको काट दो, 2 से कटेगा तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 3 रूट 3 बटा 2 माइनस में 3 रूट 3 बटा 2, ये नंबर कट जाएगा रिजल्ट आ जाएगा 0, नंबर कट के रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। अब देखिएगा सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू है, सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू है, तो ये देखो दोनों साइड को बराबर करना है, पहले मैं एलएचएस साइड लेके चलता हूं, 4 साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस में 3 कॉस 60 का मान 1 बटा 2, टेन 45 का मान 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 गुणा 1 बटा 2 गुणा रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा प्लस में 3 बटा 2, इसको काट दो, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, रिजल्ट हमारे पास में आएगा 3 बटा 2 प्लस में 3 बटा 2, एलसीएम कितना आएगा 2, 3 प्लस 3 ये आ जाएगा 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग लोगे 3 आएगा, 6 में 2 का भाग लोगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। आरएचएस को हल कर दो, आरएचएस हल, इसको साइड करो, हल करो 2 sec 45, sec 45 का मान होता है रूट 2, sec 45 का मान होता है रूट 2, तो रूट 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस में cos 90, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, cos 90 cos 90 है क्या है,
कोसेक 90 है, तो कोसेक 90 का मान हमारे पास में, जैसे कि साइन 90 का मान होता है एक, तो कोसेक 90 का मान भी हो जाएगा एक। एक का क्या करना है आपको, स्क्वेयर करना है। तो ये देखिएगा, दो गुणा रूट दो का स्क्वेयर दो, माइनस में एक का स्क्वेयर एक, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में दो दो चार माइनस में एक, यानी मान आ जाएगा तीन। तो ये देखो, तीन बराबर तीन, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस एक। अब देखो नेक्स्ट है दस नंबर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे, जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। अब देखो, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, सम माने समान, बहु माने भुजा, प्रकार की सहायता से आप एक समबाहु त्रिभुज बनाओगे इस प्रकार से, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, परिवर्त तो आएगा परिकेंद्र से, ठीक है, और परिकेंद्र होता है भुजाओं का लंब समद्विभाजक, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, और अंतःवर्त आएगा ना, ये अंतःकेंद्र से आएगा। अंतःकेंद्र क्या होता है, कोणों का समद्विभाजक, और आप जानते हैं त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है, इसका भी 60 होगा और इसका भी 60 होगा। तो आप क्या करेंगे, D की सहायता से 30 डिग्री एंगल बनाती हुई, यानी इसका इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक होगा इस प्रकार से, इस कोण का समद्विभाजक हो जाएगा इस प्रकार से, इस कोण का समद्विभाजक हो जाएगा इस प्रकार से, और इस कोण का समद्विभाजक हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपके पास ये कोणों का समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक होगा। अब आपको यहां तक, ये बिंदु O मान लिया आपने, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, O को ये बिंदु P, Q, R, O को P तक, यानी इतना प्रकार खोल के O पे रख के P तक खोल के इस प्रकार से एक वृत्त बनाओगे, तो यह वृत्त तीनों भुजाओं को, यह वृत्त तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा, तीनों भुजाओं को क्या करेगा, अंतः स्पर्श करेगा, और ओ क्या कहलाता है, अंतः केंद्र, ओ क्या कहलाता है, अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र क्या होता है, कोणों का समद्विभाजक होता है, कोणों का समद्विभाजक होता है। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है हमारे पास में भुजाओं का समद्विभाजक, भुजा का समद्विभाजक यहीं पे आके मिलेगा, और जो वृत्त खींचेंगे ना, वो इनके क्या है, तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। लेकिन हमें तो ये पूछा है अंतर्गत एक वृत्त खींचे, तो इसका जो अंतःकेंद्र होगा वो अंदर की ओर होगा, और ये इसके कोणों का समद्विभाजक हो जाएगा। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक क्या होता है, बीच का मान, माध्यक क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है। अब देखिएगा, यहां से 20 है, 29 है, 28 है, 33 है, 42 है, 38 है, 43 का माध्यक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको क्रम से लिखना होगा, आरोही क्रम में सेट करते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे 20, 20 के बाद में आएगा हमारे पास में 28, 28 के बाद में आएगा 29, 29 के बाद में आएगा हमारे पास में 33, 33 के बाद में आएगा हमारे पास में 38, 38 के बाद में आएगा 42, और 42 के बाद में आएगा 43। कितने, 3, 3, 6, 1, 7 हमारे पास में माध्यक। देखो नंबर n का मान कितना है, n इज इक्वल टू 7 है ना, ये विषम है, विषम है, तो हमारे पास में माध्यक m इज इक्वल टू ये बन जाएगा n प्लस 1 बटा 2 व पद, n का मान 7 प्लस 1 बटा 2 व पद, 7 और 1 कितना देगा 8, 8 बटे 2 यानी 4वां पद, और 4वां पद कौन सा है, 1 2 3, 4वां पद 33, तो इसका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा, 33 आएगा। नेक्स्ट है, एक बक्से में कार्ड है जिन पर 6 से लेके 50 तक की संख्याएं अंकित है, बक्से में से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है बगैर देखे, इस कार्ड पर अंकित संख्या के एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, 6 से लेके 50 तक की संख्याएं अंकित है, इसका मीन्स कुल संख्याएं कितनी है,
कुल संख्या, कुल संख्या हमारे पास में हो जाएगी 45। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। अब पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं तो कुल यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं, और पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, 49 हो सकती है, और कोई नंबर बच गया क्या? 6 से बड़ा, 6 से 9, 16, 25 के बाद में 36 हो रहा है, 25 के बाद में 36 और ये आ जाएगा 49। अब चेक कर लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता को पी से डिनोट कर दिया। अनुकूल परिणाम कितने आ सकते हैं? 5 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 45। 5 एकम 5, 9 5 45, 1 बटा 9 इसकी क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी। तो यहां तक देखिएगा, जो 3 नंबर मॉडल पेपर था उसका फर्स्ट जो सेक्शन है 30 नंबर का, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।